सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक नहीं किया होगा और मुझसे मिलकर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर सकते हो। इसी के साथ गाइज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, इसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग एंड एक दूसरा एजुकेशनल चैनल है, उसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइज वहां भी जाके अपने प्यार की बरसात कर सकते हो। सो आज जो टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ वो टॉपिक मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट को आता होगा, बट एक बार प्रदीप सर बता रहे तो समझ लो। मैं आपको लॉ बताने वाला हूँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, और इसके साथ ही इसके इंपॉर्टेंस क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो गाइस एक एक चीजें करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। मतलब कहने का मतलब क्या है गाइस, मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में, मान लो ये पेन, ये मार्कर जो है ये रेस्ट में है, मैं बोलूंगा भाई आजा मेरे पास, आजा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसका स्टेट क्या है, अभी रेस्ट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कंटिन्यू वो मोशन में ही रहेगा, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अभी इसका स्टेट जो मैंने मार्कर रखा है, इसका स्टेट क्या है, इसका स्टेट रेस्ट है। और अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसका स्टेट क्या है, वो स्टेट इन मोशन में है। अगर मुझे इसका स्टेट चेंज करना है तो मुझे इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ही ये मोशन में आया। सो कहने का मतलब अगर कोई भी बॉडी किसी भी स्टेट में है, अगर मुझे उसका स्टेट चेंज करना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तो बॉडी अपना अपना जो स्टेट है वो चेंज नहीं करेगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। अब बोलोगे सर अगर आप पेन फेंकते हो तो पेन तो कुछ टाइम के बाद नीचे गिर जाता है। सो दोस्तों मैंने भी यही बोला ना कि अगर वहां कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोशन में रहेगा, पर अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो स्टेट चेंज कर लेगा। तो जब मैं पेन फेंकता हूं तो ग्रेविटी तो है ना, एक्सटर्नल फोर्स है ना, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, इसीलिए मोशन के बाद ये किस में चला जाता है, दूसरे स्टेट में, जो होता है हमारा रेस्ट। समझ में आया। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो हाँ अपने स्टेट को चेंज करने वाला नहीं है। वही तो लिखा है एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन इन अ स्टेट, हर ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में ही रहना चाहता है। कब तक, बट जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। अब गाइस अगर मैं बात करूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का इंपॉर्टेंस क्या, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का इंपॉर्टेंस गाइस यही है कि जो हमारा स्टेट, दो स्टेट मैंने आपको बताया, पहला रेस्ट एंड दूसरा ऑब्जेक्ट किस में रहता है, मोशन में, तो दोनों के बीच का जो इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस वो हमें कौन बताता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। दोनों के बीच, जो बॉडी रेस्ट में रहना या बॉडी मोशन में रह रहा, तो दोनों के बीच का इक्विवेलेंस जो बताता है वो किसके थ्रू हमें समझ में आता है, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग समझ में आता है। गाइस आपको पता है ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, तब तक जब तक हम कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे। अब मैं बात करता हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करूंगा गाइस, ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दो मोमेंटम, एक फाइनल मोमेंटम, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है, m into v, मतलब मोमेंटम होता है, बट हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो फाइनल को मैंने v ले लिया, इनिशियल को u ले लिया, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज है तो पर यूनिट टाइम इक्वल टू फोर्स। ओके, डायरेक्ट मैंने लिख दिया प्रोपोर्शनल का साइन हटा के, तो यहां वही लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब जितना हम फोर्स, ध्यान से समझ जा, जितना हम फोर्स बढ़ाएंगे उतना मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, जितना हम फोर्स कम करेंगे उतना मोमेंटम कम चेंज होगा, इसीलिए यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा। जितना मैं फोर्स बढ़ाऊंगा उतना मोमेंटम बढ़ेगा, जितना मैं फोर्स कम करूंगा उतना मोमेंटम क्या होगा, कम होगा। सॉरी, अब मैं क्या करता हूं, दोनों में से mm कॉमन है, दोनों में से m मैंने बाहर निकाल लिया, आपको दिख रहा होगा, और अंदर क्या बचा, v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू f। सो v माइनस यू क्या होता है गाइस, यहां मैं अगर करता हूं तो, चलो मैं इसको यहां फिर से लिख देता हूं, ये देखो mm कॉमन आ गया, और यहां क्या बचा, अगर मैं निकालू तो यहां बचा v, और इस साइड दोनों में से mm बाहर निकल गया, v माइनस यू
और नीचे बचा t और इक्वल टू f. अब गाइज v माइनस u अपॉन t क्या होता है, a होता है आपको पता है, हमने पढ़ा था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारा क्या होता है एक्सेलरेशन होता है. सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो गाइज यही सेकेंड लॉ का इंपॉर्टेंस है, इसके थ्रू हमें ये फॉर्मूला मिलता है जो होता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. अगर मुझे मास और एक्सेलरेशन पता है तो मैं फोर्स फाइंड कर सकता हूँ, अगर फोर्स और एक्सेलरेशन पता है तो मास फाइंड कर सकता हूँ. ओके सो गाइज इस सेकेंड लॉ के थ्रू हमें यह फॉर्मूला मिलता है, और कैसे मिला मैंने बता दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स. जितना एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे उतना मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा चेंज होगा, जितना कम करेंगे उतना कम चेंज होगा. तो ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ किसका, न्यूटन बाबा का. अब चलते गाइस थर्ड तो बहुत इंटरेस्टिंग है. फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जैसा आप एक्शन करोगे सामने से वैसा ही रिएक्शन मिलेगा. अगर आप प्यार बरसाओगे तो सामने से प्यार मिलेगा. गाइस अगर आपके सामने कोई छोटा बच्चा खड़ा, आपने इसको घींच के एक थप्पड़ मारा, तो हो सकता है वो छोटा बच्चा आपके ऊपर हाथ ना उठाए बट उसकी आंखें आपको रिएक्शन दे देगी, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देगी. जैसा आप एक्शन करोगे सामने से वैसा रिएक्शन मिलेगा. तो यही तो बताया था न्यूटन ने थर्ड लॉ के थ्रू यही बताया था कि जैसा हम एक्शन करेंगे वैसे ही सामने से रिएक्शन होगा. सो ये दोनों एक ही सेम लाइन में एक्ट होता है. और प्लस एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट होता है, ये सभी इसके इंपॉर्टेंस है. आप एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे थोड़ी एक्ट होगा, मैं खुद को ही मारूंगा और मारने का खुद ही एक्शन का, ऐसा कुछ नहीं होना है. दो डिफरेंट बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन एक्ट होता है. तो यही इसका इंपॉर्टेंस है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. एक ही लाइन में एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है बट इन अपोजिट डायरेक्शन. एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक ही लाइन में होता है बट दोनों कैसे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में. कैसे डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में. और एक्शन और रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी. ओके मैंने पहले बता दिया एक्शन, अगर मैं यहां से एक्शन कर रहा हूं तो सामने से रिएक्शन मिलेगा. तो दोनों डिफरेंट बॉडी पे एक्ट होंगे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस. सो गाइस ये एकदम सिंपल सा है, मेरे ख्याल से आपको इसमें किसी तरह का भी डाउट नहीं हुआ होगा. बहुत एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या. चलो मैं एक बार ये वाला डेरिवेशन एक बार और आपको बता देता हूँ कैसे मैंने किया, कि आपको कंफ्यूजन ना हो. एक्सटर्नल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. ओके परिमेय जो है, अब अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो कांस्टेंट लग जाता है और कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ मैं 1 ले लेता हूँ. इसीलिए यहाँ देखो प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के बाद दो चीज़ें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट. तो k की वैल्यू को मैंने यहाँ क्या ले लिया, 1 ले लिया. यहाँ k की वैल्यू को मैंने क्या लिया है, 1 ले लिया है. तो प्रोपोर्शनल को हटा के दो चीज़ें लगी, इक्वल और कांस्टेंट, और k की वैल्यू को मैंने क्या लिया है, 1 लिया है. तो इक्वल मैंने हटा दिया है, क्या बचा है, एम वी माइनस एम यू अपॉन 3. सो गाइज दोनों में से m कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, v माइनस यू अपॉन टी. अब v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. तो यही तो है, अगर जिसको देखो मैंने अभी अच्छे से आपको सामने एकदम अच्छे से बता दिया. अब मेरे ख्याल से इसमें आपको डाउट किसी तरह का नहीं होगा. गाइस ये मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी आता होगा बट मैंने अपने तरीके से बता दिया. और अगर आपको मजा आएगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हो. और इसके साथ ही गाइस जो मैंने दो चैनल अपना बताया उस पर भी अपना प्यार बरसा सकते हो. थैंक यू सो मच. और सबसे बड़ी बात गाइस अपना ध्यान रखना. बाय बाय, जय हिंद दोस्तों.